हेलो, वेलकम टू विकास टेक्निकल आइडिया। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है DOB पे होने वाली है, DOB प्लस ड्राइवर सर्किट LED बल्ब। और इससे ये बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास एक कमेंट आया है AK ओशम सोंग चैनल की तरफ से कि सर, ये जो है DOB अगर ये ख़राब हो चुकी है और इसकी IC हम यूज कर सके इस LED बल्ब में, तो क्या हो पाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो इसी पे है, एक्सपेरिमेंट है आज की डेट में, ये आज की वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल चालू बल्ब है, आपको चालू करके दिखा देता हूँ। देखिए, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो इसी का सर्किट हम सर्किट पे और IC पे इसी के एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरीके से निकालनी है और किसी तरीके से लगानी है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं सर्किट की कंडीशन ये है, लेकिन सर्किट की क्वालिटी देखें तब भी ये सर्किट चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम सबसे पहले DOB की IC इसकी निकाल लेते हैं, ठीक है जी। IC निकालने के लिए हमने एक सिस्टम ये बना रखा है, इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे और DOB को इस तरीके से रखेंगे। बस थोड़ा सा प्रेशर देंगे इस पर और पेचकस की मदद से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये देखना है, अगर ये निकलने लायक होगी, जब अगर कोई भी SMD LED इधर से सरक जाएगी उधर को, ठीक है, हट जाएगी, तो ये भी हटने लायक हो जाएगी, ठीक है। तो ये कम से कम भी इसमें आधा मिनट या एक मिनट भी लग सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सोल्डरिंग आयरन पे। 25 वाट का आयरन है, थोड़ा लेट काम करेगा, लेकिन काम ज़रूर होगा इससे, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं सोल्डरिंग इस तरीके से पिघलनी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों, थोड़ा प्रेशर में डाल के देखता हूँ इस पर। तो ये देखिए, अच्छे से निकल चुकी है और ये चिपक जाती है बार बार। तो इसके हाथ नहीं लगाना है DOB पे। तो दोस्तों, हमारी ये जो है IC इसकी निकल चुकी है बिल्कुल सही तरीके से। बस इसके प्रिंट एक बार मैं साफ कर लेता हूँ। तो प्रिंट इसके साफ हो चुके हैं, इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब हम सर्किट के IC निकाल लेंगे। तो सर्किट के IC बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक की जगह पे हम इसकी लगा के देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम इतनी मेहनत करते हैं और एक्सपेरिमेंट आपके लिए करते हैं, लेकिन आप चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। 90% चैनल सब्सक्राइब नहीं है, ओनली 10% ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक ना एक वीडियो आपके काम की जरूर आएगी जिसमें आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। वैसे तो हम बेनिफिट की ही आपकी जो आप बोलते हैं वही वीडियो बनाते हैं, हमें टाइम लग जाता है 1-2 दिन का, लेकिन हम वीडियो ज़रूर बनाते हैं आपकी, ठीक है। आज निकल को आपकी वीडियो जो आप बोलेंगे वो आएगी ज़रूर, लेकिन टाइम लग जाता है, ठीक है। हमारे पास सेम टाइम पे प्रोडक्ट नहीं हो पाता ना, जिसकी हम वीडियो बनाएं, तो जो आप बोलते हैं उसे अरेंज करना पड़ता है, इधर उधर से लाना पड़ता है, तब जाके वीडियो बन पाती है। तो दोस्तों, इसकी एक मशीन भी आती है जो हॉट एयर होती है, जिससे कि मोबाइल वगैरह काम किया जाता है उससे इजीली उतर जाती है ये, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट है, अगर ये कामयाब हो जाता है एक्सपेरिमेंट, तो हम मशीन यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ही बेनिफिट होगा, हमें ना PF लगाने पड़ने का और हमारा जो बल्ब रहेगा ओरिजिनल क्वालिटी का रहेगा बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो प्रिंट हमने साफ कर लिए, इधर इसके 2 प्रिंट हैं, उधर 1 है और इधर इसके 4 प्रिंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने की बात है, ये जो इसमें यहाँ पे एक डॉट वाला पॉइंट है, डॉट है, तो ये इस साइड था, ठीक है दोस्तों, इस साइड में लगा हुआ था, तो इसी साइड में लगाना है। आपने पहले ही देख लेना है कि डॉट, ये जो पॉइंट है इसका डॉट पॉइंट, वो कहाँ पे लगा हुआ है। और दोस्तों, IC जो होती है ये, जैसे DOB अलग अलग है, तो DOB में IC भी अलग अलग है। जैसे कि अगर आपके पास कोई DOB है और वो आपकी सूट आ जाती है, तो उस टाइप की सभी DOB सूट आ जाएगी, लेकिन अगर कोई सूट नहीं आती है तो वो सूट नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो चलेगी नहीं। तो देख लेते हैं आज चलती है कि नहीं चलती है। तो इसके लिए सोल्डरिंग आयरन भी थोड़ा
बारीक चाहिए बिट, थोड़ी बिट बारीक करनी होती है। तो दोस्तों हमारा ड्राइवर बिल्कुल तैयार है, अब देख लेते हैं चला के। सीरीज में सबसे पहले टेस्ट करेंगे। तो ये तो दोस्तों ग्लो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो दोस्तों आईसी तो ये काम नहीं कर रही है, और जल्दी से मैं एक और आईसी दोबारा से बदल लेता हूँ दूसरे डीओबी की। तो वीडियो की स्पीड में थोड़ी तेज कर दूंगा जिससे कि टाइम उसमें वेस्ट ना हो। तो दोस्तों मैं इस डीओबी की बदलने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ इसको ओपन। तो दोस्तों ये आईसी देखिए प्रॉपर लग चुकी है। दो पॉइंट इसके इधर सेट है, दो पॉइंट इधर है, जैसे दो पॉइंट इधर मिले होते हैं दो इधर, और ये चारों पॉइंट इसके बिल्कुल फिक्स करके लगा दिए हैं। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, तो टेस्ट कर लेते हैं। सीरीज में ही चेक करेंगे पहले। तो दोस्तों ये आईसी तो काम नहीं कर रही है, ठीक है। दोस्तों इसमें यही सीन है कि नंबर के हिसाब से ही आईसी चलेगी, जो नंबर की है। देखिए इस तरीके से टच करता हूँ तो तुरंत ये काम करने लग जाता है, ठीक है। अगर नंबर के हिसाब से ही इसमें आईसी काम करेगी, जैसे जो नंबर इसका था पहले, अगर वही नंबर हम मार्केट से लेकर आएंगे और वही डाल लेंगे तो वही चलेगी। अब हमारा तो मानना ये था कि हमारी डीओबी ख़राब होती है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकला, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है दोस्तों, कि इसकी ना इसके जो सेम नंबर था वही आईसी लेके आनी होगी तभी चलेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।